धन्यवाद बंटी भैया, 150 रन। और ये देखिए मौका है, लेकिन मौका जाता रहा और शानदार एफर्ट, बहुत ही अच्छा फील्डिंग पे। टेस्ट जीतने के बाद गेंदबाजी करते अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, और हमारे से आप चलता हुआ और अच्छी गेंद छोड़ते हुए बहुत ही ओवर, पावर प्ले का 5वां ओवर चलता हुआ, इसके बाद एक ओवर और ये शानदार स्कोर लेके तरफ खेल दिया है, फ्लिक कर दिया है गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। निरंजन और लेग स्टंप के बाहर, और निश्चित शुक्ला जी के द्वारा वाइड बॉल का इशारा, वैशाली से आकर और ये शानदार शॉट, लेकिन राजीव मौजूद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, ओवरऑल बहुत ही शानदार क्रिकेट देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से बेहतरीन शॉट फ्लिक कर दिया, मौका था फील्डर को रोकने का बट मिस हुआ, और चौका, शानदार चौका, एक और चौका आता हुआ, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद रोल कर दिया स्क्वायर लेग के तरफ जहां पे एक फील्डर थे। बॉलिंग में परिवर्तन, जावेद आए हैं रेड वाले छोर से, और ये हवा में गेंद, और ये सुसाइड किया है पांडे जी ने अपने, और बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग का मुआयना पेश करते हुए विकेट कीपर। अच्छी गेंद, अपील लेकिन विश्वास कम, उत्साह ज्यादा, मेडन ओवर, मेडन शानदार। सरदर्द उसको ही आउट करने पे इन लोगों का फोकस होगा, अब देखना है आगे क्या मोड़ लेता है गेम। फिलहाल मनीष माही, मनीष माही, बंटी भाई आप बताएं कि मनीष माही ने बहुत ही क्रिकेट खेला और इवन अभी भी खेल रहे हैं। हाँ सही कहा आपने, और इस गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग के तरफ, शायद बहुत ही बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, लेकिन 2 रन से नहीं रोक सकेंगे निरंजन को। 7वां ओवर प्रोग्रेस पे, लेग स्टंप के बाहर शुक्ला जी का इशारा, वाइड और बल्लेबाज है ऑलराउंडर, और जो जैसा कि मैं बता ही रहा था कि निरंजन जब तक है क्रिकेट में, ये अनसर्टेन गेम है ये हम सब जानते हैं, बट जिस तरह का कैपेबल बैट्समैन है निरंजन, उसके बारे में क्या कहेंगे आप बंटी भैया? निरंजन जी के कैपेबिलिटी के बारे में बताया बंटी भैया, जैसे जो देहली टीम है वो इनके ही इर्द गिर्द घूमती है, ये काफी अच्छे बल्लेबाज हैं और अच्छी अच्छी कम बैक मनीष की, और दोनों काफी अनुभवी, जैसे मनीष अपने टीम के काफी अनुभवी गेंदबाज, वैसे निरंजन अपने टीम के कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज, नेक टू नेक तक का। जी हाँ सही बात है, अच्छा 1 रन से नहीं रोक सकेंगे, काफी अनुभवी, इसी तरह मारा है, देखना है क्या होता है। जी नहीं, नहीं रोक पाएंगे, 4 रन, महंगा ओवर खत्म होता हुआ। नहीं ऐसी बात नहीं आशीष, आप ये नहीं कर सकते हैं, ये सब लोग जो हैं सो इतने डेडिकेटेड हैं, वो मुझे जहाँ तक जानकारी है सारी टीम है जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है वो बॉन्डिंग अलग जज्बा दिखाता है इन लोगों को क्रिकेट के प्रति। शानदार शानदार,
बहुत अच्छी गेम डिफेंस कर दिया। इस तरह की जो है गेंदबाजी ओवर मेडन विकेट ओवर फेंका था। जी हाँ, आपने सही कहा, काफी जोर का हिट लगाना चाहते थे। छोटी छोटी सी तदीले हाथों से खेला पॉइंट पे, लेकिन तब तक एक रन पूरा हो चुका है। दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज भागते हुए और शानदार एफर्ट, दौर जबरदस्त मैच होता है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि अभी पीले ड्रेस में चेन्नई सुपर किंग कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत अच्छी बॉल, मुझे लगता है कि कुछ ये यहाँ स्लोअर वन थी, कुछ चेंज ऑफ पेस किया। और परिवर्तन काम आया, पाठक जी आए, मनीष माही को रोका गया और आते ही कौन स्पिनर आते ही एक विकेट लेके दिया। कोच साहब बहुत खुश है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बहुत ही शानदार शॉट मिड विकेट में, चार रन कोई असर नहीं ला। शानदार अपील, दुर्गेश पाठक ने विकेट, शानदार गेंदबाजी, अंदरों से भरी तरी, आप जानिए कि अब और ये शानदार पहला छक्का, वापिस जाते हैं दूसरा छक्का इस ओवर में, इस मुकाबले के पहले इनिंग में दूसरा छक्का, फ्री हिट बॉल, नो बॉल के साथ छक्का, तो 7 रन। पहले ही कहा था इस हिसाब को कि इन सब चीजों से बचना पड़ेगा, लूज बॉल क्योंकि आपको पकड़ने वाली है नहीं।
छह बेटी के निशान पर डीएपी। और ये कैच छुटते हुए गुड शॉट और शानदार फील्डिंग का नजारा और एक रन की भ्राता होते हुए और सिंगल चलाते हैं।